सो हेलो गुड मॉर्निंग, टुडे इज द ड्राइव डे फॉर द मर्सिडीज EQS। आज सपना ये आज ये वीडियो में आई एम ओनली गोइंग टू शो यू छोटा वाला एक ओनली आपको मतलब हाईलाइट मिल जाएगा। कल आएगा इसका POV ड्राइव वाला वीडियो, उसके बाद आएगा टोटल रिव्यू वाला वीडियो। आज ओनली जस्ट खाली मतलब हाईलाइट ही थोड़ा देख लो। चलो मॉर्निंग है। सो टाइम राइट नाउ इज कितना हो गया है, यहाँ तो हुआ है ओनली 8 AM इन द मॉर्निंग, बट इंडिया में हो चुका होगा क्लोज टू 9:30। सो माई एज यूजुअल मेरा ऐसे रहता है टाइम टेबल कि इंडिया में जब रहता था मैं ऑफिस जाता सुबह सुबह, तो मेरे को ऑफिस रेडी होकर ऑफिस जाना रहता था। यहाँ तो ऑफिस जाना नहीं पड़ता बिकॉज माई होम ऑफिस इज राइट हियर इन माई होम ओनली, तो मेरे को आराम से यहीं पर बैठ के काम करना पड़ता है। बट स्टिल गेट रेडी एंड वर्क, तो फिर वो एक फील आता है कि चलो ऑफिस में बैठ के काम वाम चल रहा है। सो मेरा आज का पोजिशन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या चल रहा है सुबह से। सो दिस इज माई वाइफ्स अकाउंट। सो स्टॉप लॉसेस हिट, एल्गो से टोटल जाता है सो -3,800, एंड दिस इज माई अकाउंट अगेन स्टॉप लॉसेस हिट, एल्गो से जाता है सो -15,000, एंड -3,800, सो पकड़ लो क्लोज टू वही 15,000 -19,000 में चालू है। एट द टाइम राइट नाउ इज इंडिया में 11 AM इन द मॉर्निंग। सो अपडेट एट 11 AM, करंट पोजिशन रनिंग एट -20,000। अभी सीधा 3:30 के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स है, बट एज यूजुअल मेरा जो भी फिगर्स रहता है मैं ट्विटर में अपलोड करता रहता हूँ। इनकेस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, मैं ट्विटर में सारा छोटा छोटा अपडेट डालता रहता हूँ, ट्विटर में जाकर फॉलो कर सकते हो। आपको वहाँ पे अपडेट भी आ जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया जाएगा, एंड पूरा डिटेल्स मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो 11 -20,000 3:30 में सीधा जाके देखेंगे क्या हुआ है। अभी कल के वीडियोस में जो जो सारे कमेंट्स थे वो सारे कमेंट्स को एक बार रिप्लाई कर दें। मैं वहाँ पे जाके कमेंट को आंसर नहीं करता टाइप करके, सबसे बेस्ट है वीडियो में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, तो एटलीस्ट पीपल वुड बी एबल टू फॉलो एंड उनको एक्जैक्टली पूरा डिटेल में आंसर भी मिल जाएगा, वो सबसे बेस्ट है। तो आपका जो भी क्वेश्चन रहता है सीधा कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में सारा उसको आंसर कर दूंगा। चलो अभी कल वाला वीडियोज का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। सबसे पहला, भाई प्लीज मेक 3-4 वीडियोज इन ए वीक। मैं तो एक्चुअली ट्राई करूंगा टू गेट बैक टू माई रेगुलर शेड्यूल जो रहता था कि डेली व्लॉग आना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी टॉपिक हो, जितना भी छोटा वीडियो एटलीस्ट डेली आना चाहिए, बिकॉज इट्स मोर लाइक स्टिकिंग टू योर शेड्यूल, स्टिकिंग टू योर टाइम टेबल। वो थोड़ा टूट गया था बिकॉज पढ़ना पड़ रहा था, पढ़ाई के साथ वीडियो साथ साथ नहीं होता है। अभी सिंस माई स्टडीज काइंड ऑफ ओवर, सो मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ कि हर दिन एटलीस्ट वीडियो डालेगा। मोस्ट कंसिस्टेंट व्लॉगर ओके सर, मनी मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाइए। सो मनी मैनेजमेंट पे तो अगर अपन मतलब इफ आई हैव टू एक्सप्लेन वो एक बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। सो देखते हैं ये वीक अगर होता है तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा लंबा वाला वीडियो बनाते हैं। सो लेट मी नो कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मनी मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, या मनी मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, या फिर मनी मैनेजमेंट फॉर पीपल हु हैव अ जॉब, कैसा चाहिए। अभी स्टूडेंट्स से मनी मैनेजमेंट के ऊपर मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था आई डी नॉट इवन हैड ए सिंगल रूपी, मेरे को घर से कोई पैसा नहीं मिलता था, हमको कुछ भी पैसा कहीं से नहीं मिलता था, हम तो दूसरों से पैसा मांग के कहीं से आइसक्रीम वाइसक्रीम खरीद के खाते थे। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बट येस आई कैन टेल यू अबाउट मनी मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जॉब में भी कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं उसके मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, इवन इफ आई हैव नेवर डन ए जॉब इन माई लाइफ, बट स्टिल मेरे को उसमें आइडिया है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैनेजमेंट का पूरा प्रॉपर वाला वीडियो बन सकता है, सो लेट मी नो इफ यू गाइस वांट टू सी दैट वीडियो। ओके उसके बाद सो भाई सुपर चार्जर पे कार चार्ज करने में पैसा देना पड़ता है एंड टायर प्रेशर का भी पैसा देना पड़ता है क्या? टायर प्रेशर का आप दुबई में कोई भी पेट्रोल स्टेशन में जाके कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको खुद वो काम करना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं करने वाला, आपको वो खुद करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में और कोई कर देता था आप उसको 20-50 रुपये दे देते, यहाँ आपको वो काम खुद करना पड़ेगा। एंड सुपर चार्जर में अभी करेंटली UAE में पैसा नहीं लग रहा है, बट मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी लगने वाला है। पार्किंग पहले जैसे पैसा नहीं था, फ्री था, आजकल पार्किंग में पैसा लगता है, इवन इफ इट्स EV आपको अभी पार्किंग में पैसा लगता है। एंड सुपर चार्जर में अभी तक पैसा नहीं लगा है थैंकफुली, बट मे बी वेरी सून इट्स गोइंग टू बी चार्जेबल, बट उतना ज़्यादा भी पैसा नहीं होगा, मतलब डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। जैसे मैं आपको छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ, जी वैगन में 500 किलोमीटर के लिए आई हैड टू फिल लाइक 10,000 to 11,000 रुपीज़, हर 500 किलोमीटर के लिए मेरे को 10,000 से 11,000 का तेल डालना पड़ता था जी वैगन में, बट टेस्ला में फॉर 500 किलोमीटर्स या फिर टाइकैन में फॉर 500 किलोमीटर्स यू ओनली हैव टू स्पेंड क्लोज टू वही 1,100 या 1,200 रुपीज़ फॉर द चार्जिंग। पकड़ लो कितना ह्यूज डिफरेंस, 11,000 ऑन ए जी वैगन फॉर 500 किलोमीटर्स, एट द सेम टाइम ईवी में आपको 500 किलोमीटर के लिए यू ओनली हैव टू स्पेंड लाइक 1,000 या 1,200 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट।
गाड़ी भेजेगा कि नहीं, गुडीज ही भेज रहा है उनका, ऐसा ही सिस्टम रहता है पोर्शा का कि वो लोगों को मतलब वो एक्सपीरियंस सेल करते हैं। सो वंस द कार कार इज गोइंग टू रीच इन नेक्स्ट वीक और सो, एक बार आने के बाद उसके बाद तो एज यूजुअल आपको वीडियोज मिलते जाएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट बैक टू द रेगुलर वीडियोज। आपको हर दिन जो भी अपडेट्स रहेगा आपको हर दिन मिल जाएगा। सो मैं प्लीज बाय द BMW Z4 M40i इन दुबई। एक्चुअली BMW Z4 M40i मेरे को मस्त वाला मिल भी रहा है, बट वही है कि उसमें दो सीट हैं। दुबई में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप सामने वाले सीट में, मतलब आई कैनॉट मेक माई वाइफ एंड सन सीट ऑन द फ्रंट सीट। अभी Z4 में पीछे वाला सीट नहीं है, एंड अगर वो सामने बैठते हैं उसके बाद एक अपने बड़ा वाला पेनल्टी लग जाएगा। सो यहाँ पे कन्वर्टेबल भी होना चाहिए, तो पीछे में एक छोटा वाला सीट रहना चाहिए। अगर ओनली दो सीट है बहुत बड़ा, इंडिया में तो चलता था अपन सामने ही बैठ के कितना कितना दूर वाला रोड ट्रिप ही मारते थे, बट यहाँ करना इज इम्पॉसिबल। सो दैट वॉज द ओनली रीजन वो आई हैड टू स्टॉप। नहीं तो एक माइक्रो के बहुत ही मस्त वाला BMW Z4 ब्लैक वाले का डील भी मेरे को मिल रहा था। उसके बाद सो भाई स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो के पुराने वीडियो थोड़ा रिपीट कर दो। सो स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के, क्रिप्टो का तो अभी अगर मैं आपको कुछ रिकमेंड करूँ भी, स्टिल इट्स मोर लाइक, क्योंकि लोगों को जब तक सब कुछ अच्छा चलता है उनको अच्छा लगता है, जब बुरा चलता है उनको लगता है कि नहीं नहीं बेकार है। सो नॉर्मली आई ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन क्रिप्टो, क्योंकि जब नीचे भी जाता है मैं इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई वेट फॉर द, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का गेम है भाई। आराम से इन्वेस्ट करो एंड भूल जाओ उसको, एक बार देखेंगे तो एक बार 5-7 साल या 10 साल के बाद देखेंगे। वही है इंडियन स्टॉक मार्केट का। आई हैव ऑलरेडी मतलब आई ऑलवेज रेकमेंड टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट तो करके रखने का, एंड ट्रेडिंग में भी अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा है देन यू कैन ट्राई ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट आपको 6-7 महीना तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा बस। ओके सो वीडियोज और जो भी रहेगा क्वेश्चंस, अभी कितना हुआ है, ओनली 2 आवर्स ही हुआ है। सो और जो भी क्वेश्चंस आगे आएगा तो कल अपन वो आंसर कर लेंगे। चलो अभी आज का और क्या क्या नेक्स्ट क्या क्या जॉब्स है उसको थोड़ा देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नोटबुक में अपना पहले टास्क को लिखता हूँ, गूगल टास्क लिस्ट में एक बार लिख के रखता हूँ। सो गूगल टास्क, अगर मैं बाहर में रहता हूँ गूगल टास्क लिख चेकआउट कर सकता हूँ, बट नोटबुक में वो पेन एंड पेपर में लिखने का कुछ मजा ही कुछ और है। लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फॉलो एंड एक्चुअली प्रीफर टू डू द टास्क ऑन ए नोटबुक एंड पेन रैदर देन ऑन ऑल दोस क्लाउड एप्स ऑन द फोन। एंड कल जब मैंने यूट्यूब में पोस्ट डाला था कि अभी लास्ट 6 महीने से मैं क्या पढ़ रहा था, तो किसी ने तो एक अच्छा वाला कमेंट मतलब डाला था कि सोम भाई आप तो ये क्यों कर रहे हो, आपको क्यों पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सो देखो मेरे को एक्चुअली ऐसा है कोई एक चीज़ सीखना था जहाँ कि आई डोंट हैव टू, मतलब मेरे को ज़्यादा एफर्ट दाना देना नहीं पड़े, 6 महीना 1 साल जितना लगे पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाके आई जस्ट वॉन्टेड द मनी टू मेक द मनी फॉर मी। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट्स पे एक लोचा है कि इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म देखते जाओगे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। ट्रेड्स में क्या होता है कि आप एक रिस्क रिवॉर्ड अगर रख देते हो कि पकड़ लो 1:2 या फिर 1:3 ऐसे कुछ भी अगर रखते हो, तो पकड़ लो कि अगर 20 डेज का ट्रेडिंग डेज है उसमें से अगर 10 दिन भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आप रखते भी हो रेस्ट ऑफ द 10 डेज में, इवन इफ यू आर मेकिंग 2x स्टिल यू आर लेफ्ट विथ एटलीस्ट 1, आपके पास कुछ तो पैसा बचेगा। बट ये है कि उसके लिए आपको पूरा होल टाइम को स्क्रीन देखो, चैट देखो, ये देखो वो देखो, उसलिए सबसे बेस्ट है भाई सिस्टम पे डाल दो। सिस्टम पे कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ देखने का ही जरूरत नहीं, आपको चार्ट्स भी देखने, क्योंकि चार्ट्स देखो मतलब होल डे आपको बैठोगे, होल डे आपको वैसे ही रहेगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपको चार्ट्स देखो है मतलब आपका हाथ में खुजली करेगा, चलो ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि जब तक अकाउंट में पैसा रहेगा आपको हाथ खुजली होएगा ही होएगा कि ये लो वो लो वो लो वो लो। सबसे बेस्ट है या तो अकाउंट में पूरा कम पैसा रखो या फिर टोटल सिस्टम में टोटल पैसा को जाम करो, जैसे ना पैसा रहेगा ना आपको कुछ लेने के लिए खुजली होगा, सबसे बेस्ट वही। एंड चार्ट्स को तो देखने के ही, चार्ट्स देखोगे मतलब आपको लगेगा नहीं नहीं अभी ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई अगर पैसा ही डालना है, पैसा डालोगे खुद टाइम वेस्ट करोगे, खुद चार्ट देखो इतना टाइम वेस्ट करो पैसा डालोगे, इट डजंट मेक सेंस। सो बेस्ट इज लेट द मनी मेक मनी फॉर यू, आपको कुछ भी नहीं करेंगे, सिस्टम पे डाल देने का है, एक फिक्स्ड आप कर दो सिस्टम की मेरे को इतना में एग्जिट होना है, इतना में टारगेट है, टारगेट को खुला छोड़ दो, स्टॉप लॉसेस को सेट कर दो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, ऊपर में लिया तो लिया, एक बार 1 महीना या फिर 1 वीक या फिर 3 मंथ ऐसे में आप पूरा एक मतलब परफॉर्मेंस देखो। हर दिन अगर देखोगे, क्योंकि बिगिनर्स के साथ वही होता है, हर दिन उनको लगता है कि अरे आज तो ये हो गया आज तो ये हो गया, हर दिन आप कैलकुलेट करने बैठोगे मतलब आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा एंड यू नॉट बी एबल टू डू एनी अदर जॉब्स। बेस्ट इज हर दिन का रिपोर्ट मत देखो, हर दिन का रिपोर्ट को ओनली जर्नल करके डाल दो, उसके बाद जाके एक ही साथ 1 वीक या फिर 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स में रिपोर्ट निकालो, उसके बाद जो यू कैन सी द परफॉर्मेंस कि हाँ चलो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। सो मैंने जब पढ़ाई शुरू किया मेरा फर्स्ट 4 मंथ्स तो पूरा पढ़ाई में चले गया, मतलब पहला मतलब मेरे को आइडिया था एटलीस्ट, सो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसीलिए मतलब फर्स्ट 3-4 महीना पूरा मतलब
पूरा जितना मतलब चाहिए उतना पूरा नॉलेज ले लिया गया, बट डे वन से ही फर्स्ट वीक के बाद ही आई स्टार्टेड, मतलब मैंने पैसा ओरिजिनल पैसा डाले। पेपर ट्रेड में क्या होता है कि वो इमोशंस अटैच नहीं होता है तो वही मज़ा नहीं होता, बट नॉर्मली रिकमेंडेड टू द पेपर ट्रेडिंग। अगर आप मतलब बाइंग वाइंग करते हो, भाई मैं तो बाइंग से बहुत फंसा हुआ हूँ, तो बाइंग में करता नहीं हूँ, इसीलिए आई डोंट डू इट। जितना भी पैसा आया था वो सब सेलिंग से आया था, जितना पैसा गया है वो सब गया है बाइंग से। सो मैंने 3-4 महीना पढ़ाई करने के बाद जितना मेरा एक्सपीरियंस था, सारा एक्सपीरियंस करने के बाद, हीट एंड ट्रायल बैक एंड फॉर सब करने के बाद, मैंने ये देखा बेस्ट इज सिस्टम ट्रेडिंग। सिस्टम में डाल दो, एल्गो में डाल दो, भाई कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है आपको, चार्ट देखने की कुछ भी। तो मेरे को लास्ट 2 महीना लग गया मेरे को ओनली एल्गो में एक्सपेरिमेंट्स हो गया, बैक टेस्ट करके मेरा जो एल्गो था, मेरा जितना मतलब ये था कि हाँ ऐसा होता है वैसे होता है, मैं अपने हिसाब से पूरा एल्गो पूरा मस्त एक एल्गो बना दिया हूँ। एंड एल्गो का मेरा जो एल्गो का नाम है दैट इज जेट राइडर, उसका V1 आया पहले, V1 आया, उसके बाद V2 आया, V3 आया, अभी V4 भी टेस्टिंग चल रहा है, बट V3 इज व्हाट इट्स लाइव ऑन माय अकाउंट। सो उसका मैं क्या करता हूँ, 3 बास्केट बना के रखा हूँ, एक रखा हूँ कि 5 लाख वाले अकाउंट में पूरा छोटे अकाउंट में, और एक रखा हूँ मैं 40 लाख वाले अकाउंट में, और एक रखा हूँ 2 करोड़ वाला अकाउंट। अभी ये जो 2 करोड़ वाला अकाउंट है, वो जो अकाउंट को मैं बोलता हूँ उसका नाम दे दिया हूँ मैं जी वैगन जेट राइडर अकाउंट, दैट इज ए पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो मतलब जो छोटा छोटा अकाउंट जो है 5 लाख एंड 40 लाख, उसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसको एग्जैक्टली वही पेपर वाले ट्रेड में कॉपी होता रहता है। तो मेरे को आइडिया आता है कि चलो कभी अगर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में अगर मेरा यही जेट राइडर V3 कभी चलता है, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स कैन वी एक्सपेक्ट। तो क्योंकि अगर आप पकड़ लो कि आपने आपके पास 2 करोड़ है, आपने कार खरीद लिया, ऑफकोर्स अ कार इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी फॉर यू, बट वही सेम 2 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड यू आर ट्रेडिंग विद सिस्टम ट्रेडिंग, कितना भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी मेरा जो मतलब स्टैट्स है, मैं आपको अगर बोलते हो तो मैं मेरा स्टैट्स एग्जैक्टली को दिखा भी सकता हूँ। चलो आज आपको मैं मेरा एल्गो का स्टैट्स ही दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली 35 लाख में आपको कितना क्या रिटर्न आ रहा है, 2 करोड़ में आपको कितना क्या रिटर्न्स आ रहा है पर मंथ। सॉरी बैड न्यूज़, एल्गो के लिए और एक वीडियो में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। स्टैट्स में आपको दिखा दूंगा छोटा छोटा करके, 20 लाख में कितना रिटर्न्स आ रहा है, 5 लाख में कितना रिटर्न्स आ रहा है, 30 लाख में कितना रिटर्न्स आ रहा है, 35 लाख में कितना रिटर्न्स आ रहा है, 40 लाख में कितना रिटर्न्स आ रहा है, 1 करोड़ में कितना आ रहा है, 2 करोड़ में कितना आ रहा है, ये पूरा मैं आपको और एक वीडियो में अच्छा से बताऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो में पूरा मिक्स रायता बन जाएगा उसके बाद हर सारा डिस्कशन के बारे में। सो एल्गो ट्रेडिंग का मेरा जो एल्गो है, मेरा करंट, मेरा जो मैं खुद एल्गो जिसको मैंने बनाया हुआ है, उसका एग्जैक्टली स्टैट्स में आपको और एक डेडिकेट वाला वीडियो बना के दिखाऊंगा। आज वाले वीडियो में इसको मिक्स नहीं करता। एंड आज मेरे को जाना है शोरूम फॉर दिस मर्सिडीज EQS, उसका स्क्रिप्टिंग भी चालू है, जल्दी ये वाला वीडियो आ जाना चाहिए। सो अभी मेरे को पूरा डिटेल्स लेके उसके बाद शोरूम पे ऑलरेडी आ चुका है, जाके देखेंगे। इंडिया में रिलीज हो रहा है August 24, उससे पहले अपना वीडियो आ जाना चाहिए। सो EQS इज मर्सिडीज का अपना एस क्लास का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन बोल सकते हो, सो काइंड ऑफ वेरी लग्जोरियस एंड वेरी प्रीमियम। जाके देखने से ही मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे का। अंदर वाला स्क्रीन तो आप देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा वाला खतरनाक वाला देखो, खतरनाक वाला स्क्रीन, ओरिजिनल वाला देखने वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे बेस्ट तो ये था HUD वाला इज द बेस्ट थिंग, वीडियो आने से विल गेट द कंप्लीट डिटेल्स। चलो भाई लोग, इंडिया का 3:30 PM ओवर, मार्केट्स ओवर फॉर द डे। आज का मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ, एनीवेज ट्विटर पे ऑलरेडी डाल चुका। सो आज का स्टैट्स, दिस इज वन अकाउंट द स्मॉल अकाउंट -2251 एंड दिस वन इज 7006, टोटली समवेयर अराउंड 9000। सो भाई लोग, जस्ट रीच द मर्सिडीज गागास मोटर्स। अभी यहाँ पे पार्किंग का पहले पेमेंट करना पड़ेगा, पहले तो EV फ्री था, आजकल भाई ये पार्किंग का पैसा लगता है। सो पार्किंग का EV इज नो मोर फ्री। मेरा पार्किंग बैलेंस आप देख सकते हो क्लोज टू हैव 66 है। अभी यहाँ पर पे करने के लिए ऑल हैव टू डू इज़ गो टू पे पब्लिक पार्किंग। यहाँ से जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली दिखा देता है कहाँ पे हो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग का नंबर इज 368, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दिखा दिया 368C रेडी टू पे। येस आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक मी क्लोज टू, अगर एक घंटा रहना है तो 180 मतलब 20 रुपीज़, 2 इज लाइक 50 रुपीज़। सो करंट बैलेंस इज 2, एक घंटे का इतना मैक्सिमम पार्किंग आवर्स, ये अगर चाहिए तो 2 घंटे का है 5, तो 2 घंटे का पे करते हैं बिकॉज आई गेस इट्स गोइंग टू टेक मी एटलीस्ट 2 आवर्स। सो पे 5, यहाँ पे करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली शोज अप। अगर आपका ज़्यादा रहना है तो आपको ऑटो रिन्यूअल वाला इसको ऑन कर दोगे तो ऑटो रिन्यू होकर वो ऑटोमेटिकली चलने लग गया, बट 2 आवर्स 580 मतलब क्लोज टू कितना हो गया 55 या 60 रुपीज़। सो कंटिन्यू एंड द पार्किंग हैज़ बीन पेड, जॉब डन। अभी चलते हैं अंदर। सो भाई लोग, पहुँच चुके हैं अपना मर्सिडीज वाला शोरूम। अभी अपना EQS भी आके पहुँच चुका है, अभी EQS का टेस्ट राइड होगा। टेस्ट राइड वाला व्लॉग मोस्टली कल आएगा। सो दिस इज द वाइट EQS 2022 एडिशन, EQS 580 फुल इलेक्ट्रिक। पूरा डिटेल्स में वीडियो तो एक दो दिन के बाद आएगा,
पहले आज वाला टेस्ट रेड लेते हैं, टेस्ट रेड वाला व्लॉग कल आएगा आज, क्योंकि मेरे को ये वाला वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, उससे टेस्ट रेड वाला व्लॉग को कल ही रखते हैं। चलो टेस्ट रेड ख़त्म करके घर पहुँच के देन विल टॉक।